अब हम आपको अलग अलग न्यूज चैनलों और एजेंसियों का एग्जिट पोल दिखाते हैं। आर भारत के हिसाब से सी वोटर सर्वे जो है उसका हिसाब से 287 सीटें एनडीए, 128 पर यूपीए और 127 पे अन्य। एबीपी नेल्सन की बात करें तो 267 पे एनडीए, 127 पे यूपीए और 148 पे अन्य। बात करें TV24 टुडे चाणक्य की, 340 पर एनडीए, 70 पर यूपीए, 133 पर अदर। टाइम्स नाउ वीएमआर की बात करें तो 306 पर एनडीए, 132 पर यूपीए और 104 पर अन्य है। आज तक एक्सेस माई इंडिया की बात करें तो 339 से 365 के बीच हो सकता है एनडीए का, और वहीं 77 से 108 के बीच यूपीए रह सकती है। और अगर अन्य की बात करें तो अन्य महज 69 से 95 के बीच सिमट सकते हैं। अब आपको अलग अलग न्यूज चैनल्स और एजेंसी के रुझानों में गठबंधन को कितनी सीटें मिल रही हैं ये ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। यूपीए की बात की जाए तो रिपब्लिक भारत सी वोटर की बात करें तो 40 यूपीए को मिल रही हैं। एबीपी नेल्सन के हिसाब से 56 यूपीए के खाते में जा रही हैं। आज तक एक्सेस माई इंडिया की बात करें तो 16 सीटें मिल रही हैं। न्यूज 24 और टुडे चाणक्य एग्जिट पोल के हिसाब से माने तो 32 सीटें यूपीए के खाते में जा रही हैं यूपी से। वहीं टाइम्स नाउ वीएमआर की बात करें तो 20 सीटें यूपीए के खाते में जा रही हैं। तो अगर एग्जिट पोल की माने तो एनडीए को कहीं ना कहीं यूपी में झटका मिलता दिखाई दे रहा है। चालीस, छप्पन, 16, 32 तमाम आंकड़े हैं जो यूपीए को मिल सकते हैं यूपी में अलग अलग एग्जिट पोल के अनुसार।